फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। आज हम बात करेंगे फ्रेंच क्यूजीन की, और यहाँ एक ब्यूटीफुल पिक्चर लगा है आप लोगों के सामने, जिसमें यू कैन सी फोर स्पेशल एंड यूनिक मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट वर्क ऑफ फ्रांस। क्यों बात करेंगे फ्रेंच क्यूजीन की, ये थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले, फ्रांस जाना जाता है या फेमस है इन चार मॉन्यूमेंट्स की वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट्स नोन फॉर दीज थिंग्स। You all know about the Eiffel Tower. You can see a beautiful golden picture of Eiffel Tower. Then on the left side of Eiffel Tower, you can see Arc de Triomphe in Paris. Arc de Triomphe in Paris, which is kind of a memorial. जिस तरीके का हमारा इंडिया गेट है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये बिल्कुल इंडिया गेट का फोटो है, लेकिन ये भी उसी कंसेप्ट पे बनाया हुआ है एंड इट्स मच ओल्डर देन इंडिया गेट। इंडिया गेट वॉज मेड कम्प्लीटली फिनिश्ड इन 1921 लॉर्ड अरविन। एंड इसका यह है कि ये जो आर्क डे ट्रायम्फ है, नेपोलियनिक वॉर्स में जो सोल्जर्स फ्रेंच आर्मी के शहीद हुए थे, उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिस तरीके से हमारा इंडिया गेट बनाया गया। वर्ल्ड वॉर वन में जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे, जिसमें इंडियंस शामिल थे, काफ़ी तादाद में इंडियंस शामिल थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 तक, तो जो उसमें शहीद हुए थे उनको कमेमोरेट करने के लिए इंडिया गेट बनाया गया था। देन यू कैन सी अ पिरामिड, लोबरे पिरामिड, ठीक है, डाउन बिलो मोनालिसा के लेफ्ट साइड में देखिए जो पेंटिंग है, जो स्ट्रक्चर बना है, दैट इज लोबरे पिरामिड, दैट्स अ म्यूजियम और इट्स वेरी फेमस बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। एंड देन यू हैव द मोनालिसा पेंटिंग which was made by Leonardo da Vinci. Maybe you have heard about his name. He was a great artist, great painter, I would say greatest of all times. तो उन्होंने मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था, बट ही वॉज इटालियन। तो फ्रांस में कैसे आ गई ये पेंटिंग? What happened is, in 1517, one of his disciples, after the deceasement of Leonardo da Vinci, तो उनके जो एक डिसाइपल थे, उन्होंने किंग फ्रांसिस को 4000 गोल्ड कॉइन्स के बदले 1517 में फ्रांस में ये पेंटिंग किंग फ्रांसिस को दे दिया, बेच दिया। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑफ टाइम दिस पेंटिंग इज़ इन द लोवरे म्यूजियम इन पेरिस, विच इज़ इन फ्रांस। तो फ्रांस की प्रॉपर्टी है, लेकिन बनाया किसने था? इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची, राइट? तो आई होप दिस वॉज वेरी इन्फॉर्मेशनल, जनरल नॉलेज बहुत सारा मिल गया आप लोगों को फ्रांस के बारे में। अब जो मुद्दे की बात है वो करते हैं। फ्रांस को कल्नरी वर्ल्ड का मदर माना जाता है। फ्रेंच क्विजीन इज नोन एज मदर ऑफ ऑल क्विजीन्स इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स सोफिस्टिकेशन, हाई लेवल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिपरेशन, गार्निशिंग, डेकोरेशन ऑफ द फूड एज वेल एज सर्विस ऑफ द फूड। होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की शुरुआत ही फ्रांस से हुई, राइट? यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस थिंग कि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की शुरुआत, बिस्ट्रो, टैवर्न्स, दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस। बड़े बड़े शेफ्स की हम बात करते हैं, एस्कॉफियर, एंटोनिन कैरिम, फादर ऑफ मॉडर्न कुकरी एस्कॉफियर, एंटोनिन कैरिम, पेस्ट्री शेफ। तो इन लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रांस की तरफ से है, बिकॉज दे वर फ्रेंच पीपल। तो वी कैन से दैट दुनिया को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड बेसिकली फूड और क्विजीन का नॉलेज देने वाले फ्रेंच लोग हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। व्हाई इट इज़ द फाइनेस्ट क्विजीन इन द वर्ल्ड? फ्रेंच कुकिंग हैज़ ओवर द ईयर्स बिकम द नॉर्म टू विच वी कंपेयर अदर क्विजीन्स। दिस इज बिकॉज फ्रांस फेमस कल्नरी स्कूल्स हैव मेड कुकिंग अ हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। आज भी आप देखेंगे फ्रांस में ली कॉर्दों ब्ला और जो कुछ फेमस अकेडमीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कल्नरी अकेडमीज, वो फ्रांस में सिचुएटेड है। बेकरी पेटिसरी आर्ट हो, कॉन्टिनेंटल हॉट कुकिंग हो, कोल्ड कुकिंग टेक्निक्स हो, गार्डमांजर प्रिपरेशन हो, सब चीज़ों के लिए फ्रांस अव्वल है। Haute cuisine. Haute basically means fancy. French food is regarded as the finest in the world. The French are world famous for their haute cuisine, which is the type of cooking which is done in restaurants and hotels. Hotels or restaurants mein ghar jaisa khana nahi banta. That is not simple cuisine. That is high class cuisine, which is known as haute cuisine or complex cuisine, you can say. डिफ़िकल्टी इन्वॉल्व होती है उसमें, इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं कुछ खास होते हैं और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कुछ खास होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए उसको प्रिपेयर करने के लिए। सो दैट इज़ द फीचर्स ऑफ हॉट क्यूजीन। इट इज़ रेयरली प्रैक्टिस्ड इन डेली लाइफ मेनली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाइन इंग्रेडिएंट्स एंड द टाइम इट टेक्स टू प्रिपेयर द डिशेज प्रॉपरली। फॉर दिस रीजन फ्रेंच होम कुकिंग टेंड्स टू बी सिंपलर बट कैन बी जस्ट एज डिलीशियस। अब कई लोगों का मानना पता है क्या है कि खाने में जब तक मसाले ना डाले जाएँ, भुना ना जाए, तो स्वाद नहीं आता। बट लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हेयर, फ्रेंच खाना इज सिंपल
एंड दे डू नॉट यूज एनी ऑफ द स्पाइसेस एक्सेप्ट फ्रेश हर्ब्स विच दे यूज ऑरिगेनो पार्सले थाइम टैरागन. अभी आगे चल के आपको मैं इन हर्ब्स के बारे में भी बताऊंगा जो फ्रेंच कुकिंग की बेस है. एंड दे यूज सॉल्ट पेपर एंड नटमेग एज सीजनिंग. तो क्या उनके खाने में खाना स्वाद नहीं होता? डेफिनेटली होता है, और वो स्वाद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का होता है. जो वेजिटेबल, जो मीट प्रोडक्ट यूज़ किया गया है, जो ऑयल यूज़ किया गया है, जिस टाइप की कुकिंग की गई है, दे विल एनहांस द नेचुरल फ्लेवर्स ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स इन देयर क्यूजीन. और इसके अपोजिट अगर इंडियन क्यूजीन में देखें तो मसालों का फ्लेवर आता है, बिकॉज जो नेचुरल प्रॉपर्टी है उस इंग्रेडिएंट की वो लूज़ हो जाती है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ आर हाई हीट कुकिंग मेथड्स, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग टाइम. हम भून देते हैं जिसको, रोस्टिंग एंड ब्राउनिंग इज इन्वॉल्व, राइट? तो आपको ये पता नहीं चलेगा गाजर मटर की सब्जी में गाजर का स्वाद एक डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, मटर का स्वाद एक डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, वो मिल चुका होगा. कोई ग्रेवी डिश खाएंगे तो ग्रेवी का स्वाद आएगा बिकॉज उसमें स्पाइसेस डाले गए. दैट इज द डिफरेंस. नाउ वी कम टू प्रोविंशियल क्यूजीन, द स्टाइल ऑफ कुकिंग प्रैक्टिस बाय मोस्ट फ्रेंच फैमिलीज. इट इज द सिंपल कुकिंग मेथड विच दे मेक एट होम. दैट इज प्रोविंशियल कुकिंग. एंड थर्ड इज नोवेल क्यूजीन. नोवेल क्यूजीन, दिस स्टाइल ऑफ कुकिंग बिगैन इन द 1970s व्हेन देयर वाज अ फोकस अपॉन यूजिंग फ्रेश एंड लोकली हार्वेस्टेड इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर रेस्टोरेंट स्टाइल फूड एंड गुड अमाउंट ऑफ गार्निशिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आई अपील ऑफ द फूड. तो आपके लिए खाना जो है आप रेस्टोरेंट में जब खाते हैं तो वो कुछ अलग दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए, आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, राइट? एंड इट शुड बी हेल्दी ऑल्सो, इट शुड बी नरिशिंग ऑल्सो, इट शुड बी लाइट ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो. सो दैट इज द एसेंस बेसिक्स ऑफ नोवेल क्यूजीन विच वॉज लेड इन द 1970s. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल क्यूजीन विच वॉज गिवन बाय स्कोपियर. क्लासिकल में इलेबोरेट मील्स होते थे, हैवी इंग्रेडिएंट्स यूज होते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज होते थे. बट आज के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो लाइट डिशेज आर वेरी पॉपुलर. लाइट एंड वेल गार्निश्ड डिशेज आर वेरी पॉपुलर. इट इज अ मोर हेल्थ कॉन्शियस स्टाइल ऑफ कुकिंग विद लेस फैट एंड कैलरीज. एज आई टोल्ड यू, वेजिटेबल्स आर सर्व नियरली रॉ, मीट फिश एंड पोल्ट्री आर ऑफन ब्रॉइल्ड और पोस्ट, राइट? हेल्दी मेथड्स ऑफ कुकिंग यूज करते हैं. अब रीजनल स्पेशलिटीज की बात करते हैं. सी, दिस इज अ मैप ऑफ फ्रांस विच आई एम शोइंग यू हियर. डिफरेंट रीजन्स ऑफ फ्रांस हैव देयर ओन स्पेशलिटीज मेड यूजिंग लोकल प्रोड्यूस. दिस यू कैन सी द डिफरेंट रीजन्स लाइक नॉर्मैंडी, बोर्नोन, आल्प्स, साउथ वेस्ट फ्रांस विच इज नोन एज प्रोविंस, पायरनीस, राइट, अल्सास, लोरेन. तो सभी रीजन्स की अपनी खासियत है, जैसे हमारे इंडिया में हर रीजन की खासियत है. अब एक एक करके थोड़ी इन खासियतों पे नजर डालते हैं. बर्गंडी रीजन इज फेमस फॉर बीफ बोरिग्नोन विच इज अ रिच बीफ एंड वेजिटेबल स्ट्यू दैट इज लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एस्कारगोट, स्नेल्स को एस्कारगोट बोलते हैं फ्रेंच में, राइट? सो दैट इज ऑल्सो फेमस इन बर्गंडी. बर्गंडी इज ऑल्सो फेमस फॉर वाइन्स, स्पेशली रेड वाइन्स, बिकॉज जो ग्रेप चाहिए रेड वाइन को बनाने के लिए, स्पेशली ऑफ दैट कैरेक्टर, दैट इज फाउंड इन बर्गंडी. बर्गंडी रेड वाइन्स आर वेरी फेमस. प्रोविंस विच इज द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ द फ्रांस, इट इज रिच एग्रीकल्चर एरिया एंड यू कैन फाइंड मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दिस एरिया. स्पेशली दोज प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फ्रॉम विच वी यील्ड ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स लाइक सनफ्लावर हो गया, देन ऑलिव्स हो गए. तो दे आर कल्टिवेटेड इन द प्रोविंस रीजन विच इज द साउथ ईस्ट फ्रांस. सी, ऑलिव ट्रीज एज आई टोल्ड यू. Then there's a huge market of fresh vegetables and fruits, you can see. Then pasta tuna salad with aioli sauce. Aioli sauce is made from olive oil and garlic. Ratatouille, you can see on the right top side, एक colorful picture है जिसमें आपको zucchini के round slices और brinjal के round slices और peppers के, red और yellow peppers के round slices दिख रहे हैं. So we take all of them, we saute them and then we bake them along with tomato concasse. That is a dish which is known as ratatouille. This is again famous from Provence region of France. Bouillabaisse, which is a seafood stew. So you can see seafood stew जिसमें सारे clams, mussels, oysters, आप scallops, सारा कुछ है डाला हुआ. It's a seafood stew. Stew is basically something which is where we prepare everything together at the same time in one pot. That is known as stew. In eastern France, it's the only French region to have borders with three countries, which is this place, Lorraine. So Lorraine ke tino taraf teen countries hain, Belgium, Luxembourg and Germany. Belgium, Luxembourg and Germany are the three countries surrounding Lorraine area. And it's again a very beautiful area. Sausages and hams are eaten part of the general German influence. So German influence hai, isliye aap dekhenge sausages aur hams kafi khaye jaate hain. Quiche Lorraine is another French recipe popular outside France and named after the Lorraine region in eastern France. तो आप ये देखेंगे जो रीजन्स माउंटेनियस होते हैं, जहाँ पे स्नोफॉल होता है ज़्यादा, वहाँ पे जो उसका क्यूजीन है, किसी भी कंट्री की हम बात कर लें, दैट इज़ प्रेडोमिनेटली नॉन वेजिटेरियन, नॉट वेजिटेरियन, बिकॉज वहाँ पे एग्रीकल्चर उतना नहीं होता, इतने प्लांट्स, इतने ट्रीज नहीं होते. तो दे सर्वाइव ऑन द एनिमल प्रोड्यूस विच इज़ अवेलेबल देयर. दे विल मेक चीज़ आउट ऑफ दैट, दे विल मेक डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स, कर्ड दे विल मेक क्रीम आउट ऑफ दैट, दे विल मेक बटर आउट ऑफ दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल यूज दैट मीट टू प्रिपेयर डिफरेंट आइटम्स. प्रिजर्वेशन के लिए पुराने दिनों में सॉसेजेस प्रिपेयर करते थे. सो वी स्टडी ऑल ऑफ दिस इन चारकुटरी, हाउ प्रिजर्वेशन इन्फ्लुएंस्ड द कुकिंग स्टाइल्स ऑफ दोज पीपल हु वर स्टेइंग इन माउंटेनियस एरियाज विच आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द ईयर, राइट? तो उनके लिए बहुत सुटेबल है. देखिए, फूड में हर बात के पीछे एक रीज़न होता है, एक वजह होती है, और उस वजह को समझना और जानना बहुत ज़रूरी भी है, और उससे आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है फूड के बारे में जानने के लिए, राइट? फ्रूट पाइज एंड टार्ट्स आर पॉपुलर इन लोरेन.
सो यू कैन सी फ्रूट पाइज एंड टार्ट्स आर पॉपुलर इन लोरेन. देन ब्रिटानी, ब्रिटानी इज अ रीजन विच हैज पुअर एग्रीकल्चरल लैंड, सो मच ऑफ द लोकल फूड कम्स फ्रॉम द सी. डिश इज मेड फ्रॉम शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मसल्स. दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर क्रेप्स, राइट. सो क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सी की वजह से क्या है, सी फूड ज्यादा पॉपुलर है. सी फूड लाइक प्रॉन्स एंड मसल्स आर वेरी पॉपुलर. दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर क्रेप्स. क्रेप्स आर पैनकेक्स. ऊपर आप फोटो देख रहे हैं पैनकेक्स का, सो दे आर नोन एज क्रेप्स. Baked goods like croissant, which is generally served in the breakfast. Flaky, buttery yeast rolls. This is croissant. You can see a cross-sectional photo of a croissant over here. Brioche, which is a yeast roll that contains egg. You can see a brioche picture also over here. Napoleons. These are puff pastries separated in layers by creamy filling. And eclairs contain custard and are iced. तो एक्लेयर्स का फोटो आप देख रहे हैं. इसी से मॉडर्न डे एक्लेयर्स बना है, जो एक चॉकलेट टॉफी है. ऑरिजिनली इट्स अ पेस्ट्री प्रोडक्ट. तो देख लो यहाँ पे एक्लेयर्स का फोटो कैसा होता है. इट्स अ शू पेस्ट्री. SCHOUX शू पेस्ट्री. ओवर विच देयर इज अ कोटिंग ऑफ चॉकलेट एंड इनसाइड विच देयर इज अ फिलिंग ऑफ क्रीम. दैट इज एक्लेयर्स. अनदर प्रोडक्ट विच इज मेड आउट ऑफ शू पेस्ट्री इज प्रॉफिट रोल्स. ओके, सो देन कम्स ट्रफल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेरीगोड इन फ्रांस फेमस फॉर ब्लैक ट्रफल्स. Piedmont in Italy famous for white truffles. Truffles are difficult to find and very expensive as a result. Now what is truffles? Truffles is the most expensive item which you can use in cooking. It's known as black diamond of cooking, right? Just like we say that black pepper is like something very expensive and something very unique to be used in cooking. It was known as spice gold. तो काली मिर्च को हम स्पाइस गोल्ड बोलते हैं, उसी तरह ट्रफल्स को हम ब्लैक डायमंड ऑफ कुकरी बोलते हैं, राइट. इन 1994 ब्लैक ट्रफल सोल्ड फॉर अराउंड $350 टू $500 अ पाउंड. पाउंड इज अराउंड 455 ग्राम्स. इन द यूनाइटेड स्टेट्स एडिबल ट्रफल्स आर कलेक्टेड इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑरेगन एंड वाशिंगटन. इन यूरोप मोस्ट ट्रफल्स आर कलेक्टेड इन फ्रांस एंड इटली. एज आई टोल्ड यू, पेरीगोल्ड इन फ्रांस, पीडमोंट इन इटली, राइट. ट्रफल हंटर्स इन इटली एंड फ्रांस यूज पिग्स एंड मिक्स ब्रीड डॉग्स टू स्निफ आउट द ट्रफल्स. डॉग्स आर प्रेफर्ड टू पिग्स बिकॉज पिग्स लव टू ईट ट्रफल्स. अब होता क्या, ट्रफल्स एक राइजोम ग्रोथ है, एक ग्रोथ है अंडरग्राउंड, राइट. तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या है, उसको पिग्स को ले जाना पड़ेगा. पिग्स स्मेल आउट करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे है, और वहाँ पे वो फार्मर डिग आउट करेगा एंड विल फाइंड द ट्रफल्स, राइट. तो होता क्या है, पिग्स उसको खा लेते हैं, राइट. सो दैट इज वाई डॉग्स आर ट्रेन टू सर्च फॉर ट्रफल्स एंड देन बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग इट, देन फार्मर्स कैन इजिली टेक इट आउट फ्रॉम द ग्राउंड. सो दिस इज समथिंग स्पेशल अबाउट ट्रफल्स. होलसेल प्राइस वॉज अराउंड 700 यूरोज पर किलो इन 2007-08. ओके, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 12 ईयर्स बैक फ्रॉम नाउ. अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा. विद रिटेल प्राइसेस इन पैरिस, न्यूयॉर्क एंड लंडन मोर देन ट्वाइस दैट. नाउ यू कैन सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ट्रफल्स ओवर हियर. ये देखिए, ये ब्लैक कलर के ट्रफल्स हैं, राइट. इनका जो फ्लेवर है, स्वाद है, दैट्स यूनिक. समटाइम्स दे आर एडेड, दे आर ग्रेटेड ओवर द पास्ताज. देयर इज ट्रफल ऑयल ऑल्सो विच इज अवेलेबल इन द मार्केट. सो दे एक्चुअली यूज फ्रेंच कुकिंग में डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, स्पेशल इंग्रीडियंट्स यूज होते हैं, विच विल डेफिनेटली ब्रिंग आउट अ न्यू डायमेंशन ऑफ द फ्लेवर इन द डिशेज. दैट इज वाई इट इज यूनिक. सो देयर इज अ पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ट्रफल हंटिंग इन फ्रांस विच इज शोन ओवर हियर, विद अ पिग इज हंटिंग फॉर ट्रफल्स. नाउ फ्रेंच सॉसेज की बात कर लेते हैं, फ्रेंच मदर सॉसेज की. तो फ्रेंच मदर सॉसेज पर मेरा एक वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखें. यू विल फाइंड द सिक्स मदर सॉसेज बेसिक्स इन जस्ट 5 मिनट्स इन दैट वीडियो. सो वट इज रू? रू इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लावर एंड बटर कुक टुगेदर एट द सेम टेम्परेचर. वेलूते सॉस, वेलूते सॉस में क्या है, रू में आप चिकन स्टॉक, फिश स्टॉक या व्हील स्टॉक ऐड करते हैं. बेशेवल सॉस में आप रू में मिल्क ऐड करते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क, राइट. आई हैव एक्सप्लेन इट थॉरली इन माई वीडियो ऑन द मदर सॉसेज, फ्रेंच मदर सॉसेज. देन हॉलैंडेज सॉस है, कंटेन्स एग योक्स, लेमन जूस एंड बटर. देन विनेग्रेट ड्रेसिंग्स आर देयर, कंबाइंड वाइन विनेगर ऑयल एंड सीजनिंग्स टू मेक अ विनेग्रेट ड्रेसिंग. एंड दिस ड्रेसिंग यू कैन यूज ऑन डिफरेंट सैलड्स. एंड देयर इज अ फोटो ऑफ एग बेनेडिक्ट, यू कैन सी हियर. इंग्लिश मफिन है, उसके ऊपर एक पोस्ट एग है. एंड देयर इज इट इज टॉप्ड बाय हॉलैंडेज सॉस. ये जो येलो कलर का आप सॉस देख रहे हैं, दैट इज हॉलैंडेज सॉस. और उसके ऊपर शाइव्स हैं, ठीक है. गार्लिक के जो लीव्स होते हैं ना, उसको शाइव्स बोलते हैं. तो गार्लिक के लीव्स को चॉप करके डाल दिया. दिस इज एग बेनेडिक्ट एंड इट्स वेरी फेमस ब्रेकफास्ट आइटम्स फॉर यूरोपियन पीपल एज वेल एज इंग्लिश पीपल. तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोग, इटालियंस लोग जब आते हैं फाइव स्टार में, दे ऑर्डर एग बेनेडिक्ट. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर विच आई फाउंड ऑन द नेट एंड आई पुट इट हियर सो दैट यू कैन सी वॉट इज एग बेनेडिक्ट, राइट. एंड हियर आर फ्यू हर्ब्स. फ्रेंच कुकिंग इज द अल्टीमेट इन हर्बी कुकिंग. It is not spicy as I told you in the beginning, but it uses a lot of herbs, natural herbs, in their fresh forms, from bay leaves to aromatic lavender. Herbs further define French cuisine. The list is endless. Basil, tarragon, rosemary, fennel, chives, savory, oregano, chervil, thyme, sage, parsley, marjoram, finesse herbs, etc. Finesse herbs is basically a mixture of few herbs. I'll just tell you what are those herbs. So you can see that there's a lot of use of these herbs. Finesse herbs is a combination of chives, parsley, tarragon and chervil. Now here you can see 6 pictures. Just try to identify what are these. Right? So these are the herbs which are used. First one is chives. Then you have the See, here are the pictures, chives, tarragon, chervil, basil, rosemary and fennel, right. First one is chives, second is tarragon, third is chervil, fourth is basil, fifth is rosemary, you see here rosemary, and then is the, this is fennel, okay, fennel, sauf, fine. Then some more herbs you can see here, first one is savory, then sage, parsley, marjoram, now second one is parsley, third is marjoram, fourth is
ऑरिगेनो, फिफ्थ इज थाइम एंड सिक्स्थ इज सेवरी. अगेन यू सी सिक्स मोर स्पाइसेस ओवर हियर, सिक्स मोर हर्ब्स ओवर हियर, नॉट स्पाइसेस. ली पैतित दी जूनियर इज द नेम फॉर ब्रेकफास्ट इन फ्रेंच. तो फ्रेंच में ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? ली पैतित दी जूनियर. दिस इज यूजली अ लाइट मील रोल एंड कैफे ओलाद. कैफे ओलाद मीन्स कॉफी विद मिल्क, राइट. ओला मीन्स ओले मीन्स विद मिल्क, राइट, कॉफी विद मिल्क. ले दी जूनियर मिड डे मील. ले दी जूनियर मीन्स मिड डे मील. ट्रेडिशनली द लार्जेस्ट मील ऑफ द डे कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर विच इज अ स्टार्टर, विच इज एपेटाइजर, सूप एंड मेन डिश, वेजिटेबल सैलड एंड मेन डिश. द सैलड इज यूजली सर्व्ड आफ्टर द मेन कोर्स, राइट. द इवनिंग मील इज लाइट एंड यूजली सर्व्ड अराउंड 8 o'clock सिंस बिजनेस आवर्स आर लेट एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स. सो वॉट बेसिकली वी सी हियर इज कि जो कारीगरी फ्रेंच फूड में है, जो सोफिस्टिकेशन फ्रेंच फूड में है, वो और किसी क्यूजीन में है नहीं. एंड इट इज़ अ बेंच मार्क फॉर ऑल दोज क्यूजीन्स हु वॉन्ट टू बी रीचिंग द हाइट्स ऑफ प्रोक्लामेशन एज कम्पेयर टू फ्रेंच क्यूजीन. कि उनका भी फूड, उनका भी क्यूजीन इतना फेमस हो जितना फ्रेंच फूड है. एवरी वन नोज अबाउट फ्रेंच फूड. एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू अ फाइव स्टार होटल, आप बात करते हैं कॉन्टिनेंटल फूड की, तो कॉन्टिनेंटल फूड इज़ फ्रॉम यूरोप और यूरोप में सबसे फेमस फ्रांस और इटली. इनके फूड की ना बात ही कुछ अलग है. अगर आपको एक बार चस्का लग जाए सो देन यू विल फाइंड कि स्पाइसेस डालना इंडियन क्यूजीन में एक अलग बात है, लेकिन असली खाना जो है वो फ्रेंच फूड ही है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, फ्लेवर, अरोमा. बिकॉज देयर यू गेट अ चांस टू फील द नेचुरल फ्लेवर एंड नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स विच आर पुट इन द फूड, राइट. जो भी उसमें डाला है उसका स्वाद आपको नेचुरली महसूस होगा, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ इंडियन क्यूजीन बिकॉज इट इज मास्क्ड बाय हर्ब्स एंड स्पाइसेस, especially 300 spices which we are using in Indian food. It is masked by those factors. Cover up ho jata hai, spices ka taste hi aata hai. I hope you enjoyed this video and you liked it. Do share it with your friends and family. French cuisine pe video hai and especially useful for hotel management students. And do not